हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम करण, इट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गएंगे वीडियो हमारी किस टॉपिक होने वाली है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज हमें ऐड फोटो में कुछ एडिटिंग नहीं करनी, तो गाइस हम सिंपली बैक आ जाते हैं। एंड गाइस, ड्रॉ टूल में हमें एडिटिंग करनी, तो गाइस चलिए हम ड्रॉ टूल के अंदर चलते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, ठीक है, पहले आपको एक इमेजिनरी लेयर बनानी जो कि सिंपली सभी की बनी होती है। तो गाइस चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना। एंड गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज़ कर रखा है। एंड गाइस, जिसको बैकग्राउंड इरेज़ करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए एंड इरेज़ कीजिए। ठीक है, सो मैंने बैकग्राउंड को इरेज़ कर लिया। सॉरी गाइस, मैंने मतलब मॉडल को यहाँ पर ले आऊँ गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, इसका ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, सिंपली आप सभी को स्क्रीन पर टैप कर लेना है एंड गाइस फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करने के एक लेयर में जाना है। ठीक है, दोबारा से कंप्यूटर लेयर बनानी है। एंड गाइस, आपको इस लेयर को आपको नीचे लेकर आना है अपने मॉडल के। ठीक है, एंड जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक विंग्स का पीएनजी मिलेगा। एंड गाइस, मैं इसमें जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का यूज़ करूँगा ना, सभी का लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, मैं फटाफट जल्दी से मैं जाकर विंग्स का पीएनजी ले लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये रहा विंग्स का पीएनजी। एंड गाइस, सिंपली मैंने विंग्स का पीएनजी को ले लिया। ठीक है, सो सिंपली मैं ऐसे टर्न करके इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस सबसे करने का इसके साइज़ को आपको अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है। ठीक है, आप जितना बड़ा साइज रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, सो मैं इसको सिंपली अपने पीछे इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एंड सिंपली मैं इसको स्क्रीन पर टैप करूंगा। एंड गाइस, ये हो जाएगा हमारा फिक्स। ठीक है गाइस, सो अब आप सबसे करना क्या है गाइस, दोबारा जाना लेयर में। एंड गाइस, आपको उसको विंग्स की पीएनजी को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इसकी ओपेसिटी को कम करना है। ठीक है, थोड़ी सी। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को इरेजर टूल सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आपको ये स्मूथ वाला ब्रश का ओपेसिटी 38 तक रखना है एंड सेट कर लेना है। एंड गाइस, आपको इरेज करना है। ठीक है, सो ये इरेज नहीं हो पा रहा, तो गाइस हम क्या करेंगे गाइस, हम लेंगे हार्ड ब्रश को। ठीक है, हार्ड ब्रश को ले लेते हैं सिंपली गाइस। ठीक है, हार्ड ब्रश एंड इसकी ओपेसिटी एंड साइज को आपको पूरे 100 रखना है। एंड गाइस, सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेना है। ठीक है, एंड ध्यान रहेगा गाइस कि आपको अपने हैंड के पास जो जितना एरिया आ रहा है इसको इरेज नहीं करना। ठीक, उसके बाद करना क्या गाइस, आप सभी को दोबारा से लेयर में जाना है। ठीक है, लेयर में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 100 कर देना है। ठीक है, 100 करने के बाद गाइस आप सभी को देखो गाइस, अब इसके बाद क्या हो गया गाइस, हमने जो उसको कॉपी किया। एंड गाइस, उसके बाद हमारे विंग्स जो है हमारे ऊपर आ रहा है, तो गाइस नकली नहीं लगेगा गाइस। ठीक है, तो अब गाइस आप सभी को करना क्या है, दोबारा से जाना लेयर में, एक इम्पर्टी लेयर बनानी है आपको वापस से। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक पीएनजी लेना है। ठीक है, ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस, एक स्मोक का पीएनजी लेना आप सभी को। ठीक है, सो मैं जल्दी से जाके गैलरी में से स्मोक का पीएनजी ले लेता हूँ। तो सिंपली गाइस, मैंने स्मोक का पीएनजी ले लिया। एंड गाइस, आप सभी को करना क्या है, इसको आप सभी को सिंपली इस तरीके से पहले आप सभी को इसको बड़ा कर लेना गाइस, अपने साइज़ के हिसाब, अपने मतलब अपने फोटो के पूरे बैकग्राउंड के बराबर। ठीक है, एंड सिंपली आपको सभी को इसको नीचे की तरफ इस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, एंड इसको आपको इतना रखना है। एंड गाइस, उसके बाद इसको आपको ब्लेंडिंग मोड रखना है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन रख लेना है। एंड गाइस, हमें इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम लग रही है, तो गाइस हम इसे कॉपी कर लेंगे एक बार। ठीक है, एक बारी कॉपी कर लेते हैं। एंड गाइस, अब ठीक है, ठीक है गाइस, सो अब आप सभी को करना क्या, ऐसे कर लेना है डन। ठीक है, यहाँ से डन कर लेना है, एंड कर दें डिस्कार्ड। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद जाना आप सभी को वापस से ऐड फोटो में। ठीक है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक पार्टिकल्स का पीएनजी लेना है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस चलते हैं ऐड फोटो, सॉरी डाउनलोड उसमें पिक्चर्स में जाने के बाद गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद हम इस पीएनजी को ले आते हैं पार्टिकल्स के। ठीक है, सो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। एंड कर लेते हैं गाइस डन। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद कर लेते हैं इसके साइज़ को बड़ा। ठीक है गाइस, एंड उसके बाद हम कर लेते हैं इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, सिंपली इस तरीके से स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो हमारे फेस के ऊपर जितना एरिया आ रहा है, अब इसको हम कर लेंगे इरेज। ठीक है, इरेजर टूल में जाके सिंपली हार्डनेस को करेंगे कम। ठीक है, एंड कर लेते हैं इरेज, एंड कर लेते हैं डन। एंड गाइस, उसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, 70 तक कर लेना है, 77 तक। ठीक है,
उसके ओपेसिटी को एंड गाइस उसके बाद कर लेना डन। एंड गाइस उसके बाद आप सेव करने के ऐड फोटो में जाके गाइस अब एक लास्ट पीएनजी और रह गया हमारा गाइस, इसको लगा लेना है। ठीक है गाइस ऐड फोटो में चलते हैं। ठीक है गाइस लाइट का पीएनजी लगा लेते हैं। तक हमारी फोटो हो चुकी है डन। तो गाइस अब ड्रॉ टूल में जाके इस फोटो कर लेते हैं हम सेव सिंपली। ठीक है ड्रॉ टूल में जाने का इसको सेव कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो हमारी कलर कलेक्शन रहेगी ना इसमें गाइस वो करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो सिंपली चलते गाइस लाइट रूम ऐप के अंदर, सो कर लेते हैं ऐसे बैक। ठीक है गाइस एंड उसके बाद कर लेते हैं लाइट रूम ऐप को ओपन। ठीक है एंड गाइस उसके बाद आप सबको करना क्या गाइस, अभी लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है। ठीक है एंड उसके बाद हमें करना क्या गाइस ऐड फोटो में जाना है। ठीक है इस प्लस वाला आइकन पे एंड गाइस उसके बाद हमें सिंपली अपने फोटो कर लेना है ऐड। ठीक है एंड कर लेते हैं ऐड। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऑल फोटोज में जाना है। ऑल फोटोज में जाने के बाद गाइस अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे हम सिंपली इस तरीके से। ठीक है एंड उसके बाद गाइस करना हमें लाइट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है एंड इसकी शेडो को हमें कम कर लेना है। ठीक है 25 तक कम कर लेना है। एंड गाइस हाइलाइट्स को हम माइनस सी रख लेते हैं। ठीक है इस 49 तक। एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट को हम कर लेते हैं प्लस में 35 तक। ठीक है 35 नहीं गाइस 23 तक कर लेते हैं। ठीक है एंड गाइस के बाद वाइट को हम कर लेते हैं गाइस, इसको भी हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है 42 तक। एंड गाइस ब्लैक को हम बढ़ा लेते हैं 28 तक। ठीक है एंड गाइस चलते हैं नीचे वाले टूल में। ठीक है एंड चलते हैं मिक्स में। एंड गाइस सेलेक्ट करते हैं ऑरेंज कलर। एंड गाइस इसकी सैचुरेशन को हम 49 तक माइनस कर लेते हैं। एंड गाइस ल्यूमिनस को 32 तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है एंड कर लेते हैं डन। एंड गाइस इसके बाद टेम्परेचर को हम कर थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे गाइस हमारे फोटो में येलो टोन आ जाती है। एंड गाइस दोबारा चलते हैं मिक्स में एंड लेते हैं गाइस येलो कलर। ठीक है एंड इसके सैचुरेशन नहीं सॉरी ह्यू को हम बढ़ाते हैं। ठीक है सो हम ह्यू को रखते हैं -9 तक रख लेते हैं। ठीक है एंड उसके बाद क्या रह गया गाइस हमारा काम, उसके बाद कर लेते हैं हम इसके ल्यूमिनस को भी थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं 33 तक। ठीक है एंड इसके बाद कर लेते हैं डन। एंड गाइस उसके बाद आपसे करना क्या इसके सैचुरेशन को बढ़ाना है। ठीक है गाइस एंड उसके बाद वाइब्रेशन को भी 70 तक माइनस कर लेना है। ठीक है एंड गाइस सैचुरेशन को हम 20 तक कर लेते हैं। ठीक है एंड गाइस एक बार फेस में और थोड़ा ग्लो देते हैं हम गाइस। ठीक है तो सैचुरेशन को हम थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। ठीक है एंड ल्यूमिनस को भी बढ़ा के देखते हैं। एंड गाइस यू को भी थोड़ा छेड़ लेते हैं। ठीक है सो यहाँ तक फोटो हो चुकी है डन। एंड गाइस सिंपली कर लेते हैं डन। एंड उसके बाद गाइस चलते हैं नीचे वाले टूल पे। ठीक है एंड क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे। ठीक है एंड उसके बाद गाइस विगनेट को भी हम थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं ताकि गाइस हमारी फोटो में साइड में अंधेरा अंधेरा सा आ जाए। एंड उसके बाद गाइस फेदर को हमें पूरा 100 प्लस करना है। एंड गाइस रोडनेस को भी 100 प्लस कर लेना है। ठीक है एंड गाइस उसके बाद हमारा एक काम रह गया, हम चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड फोटो कर लेते हैं थोड़ी शार्प जिससे कि हमारी फोटो एच डी क्वालिटी में आ जाए। एंड गाइस उसके बाद करते हैं नॉइज़ डिटेक्शन को बढ़ा लेते हैं। ठीक है एंड कलर नॉइज़ को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है सिंपली हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस तो अब इस फोटो को हम कर लेते हैं सिंपली सेव। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना, आप सभी के लिए बहुत मैंने कर सकता तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस 10K सब्सक्राइब करके बहुत करीब है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस एक शेयर जरूर करना। एंड गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।